नमस्कार। परख के आज के इस अंक में मैं आपसे डॉक्टर हिलाल अहमद के द्वारा लिखे गए एक लेख पर बातचीत करूंगा। डॉक्टर हिलाल अहमद का यह लेख आज के दिन यानी कि 11 सितंबर 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है और इस लेख का शीर्षक है द मुस्लिम पोलिटिकोफोबिया। हिलाल अहमद का यह लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि हिंदुस्तान के मौजूदा समाज में एक तरीके का संदेह मुस्लिमों के प्रति मौजूद है और यह संदेह सिर्फ दक्षिण पंथी धारा में ही मौजूद नहीं है बल्कि हिलाल अहमद यह तर्क देते हैं कि काफी हद तक सेकुलरिस्ट भी इसी तरीके के संदेह का शिकार हैं या जो खुद को उदारवादी होने का दावा करते हैं उनकी समझ में भी जो संदेह के जो ये सूत्र हैं वो काफी गहरे रूप में बैठे हुए हैं। हिलाल अहमद ये बताते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी इस बात की जानकारी होगी कि 11 सितंबर 2001 को जब अलकायदा के आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हमला किया और उससे हजारों निर्दोष लोग मारे गए तो एक इस्लामोफोबिया शब्द जो है वो काफी प्रचलन में आ गया, विशेष रूप से पश्चिम के उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में। और इसका सीधे तौर पर अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए संदेह या भय की निगाह से देखना क्योंकि वह इस्लाम को मानता है। तो इस्लाम धर्म के प्रति बेवजह जो यह भय की भावना थी उसे इस्लामोफोबिया कहा गया। हिलाल अहमद यह कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो स्थिति है उसमें मुस्लिमों के प्रति जो एक पूरा नजरिया विकसित हुआ है उसका वर्णन करने के लिए इस्लामोफोबिया शब्द पर्याप्त नहीं है और इसके स्थान पर वह पॉलिटिकोफोबिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और वह यह कहते हैं कि यह जो पॉलिटिकोफोबिया है वह सिर्फ दक्षिणपंथी खेमे के राजनेताओं या दक्षिणपंथी खेमे के दलों में ही मौजूद नहीं है बल्कि खुद को उदारवादी और सेकुलर कहने वाले राजनीतिक दल भी इसका शिकार हैं। उन्होंने अक्सर मुस्लिमों को या तो वोट बैंक के रूप में देखा या फिर उन्होंने उनकी जो सामाजिक या आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति थी उसको एक तरीके से उपेक्षा की निगाह से देखा, कभी भी उनके साथ गहराई से जुड़कर उनकी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। पॉलिटिकोफोबिया की बात करते हुए हिलाल अहमद इसकी तीन विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वो यह कहते हैं कि जो पहली विशेषता पॉलिटिकोफोबिया की है वह यह है कि इसमें जो वैश्विक स्तर पर इस्लाम की छवि गढ़ी गई है उसके बरक्स हिंदुस्तान के मुस्लिमों को देखा जाता है और उनकी भूमिका की विवेचना की जाती है। इस संदर्भ में वो कुछ उदाहरण देते हैं। वो यह बताते हैं कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यह कहा था कि जो मुस्लिम हैं वह ताकत की जोर से तलवार के बल पर अपने धर्म का प्रसार करना चाहते हैं और अब पूरी दुनिया इसके बारे में जागरूक हो गई है। 3 साल बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने यह कहा कि हमारे देश में मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी है लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कोई भी मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों से या जिहादी गतिविधियों से नहीं जुड़ा। हिलाल अहमद का यह कहना है कि इन दोनों ही बयानों में हम यह देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के मुस्लिमों की व्याख्या करने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए वैश्विक स्तर पर जो इस्लाम की छवि गढ़ी गई है उसका सहारा लिया गया। दूसरे स्तर पर हिलाल अहमद का यह कहना है कि अगर हम हाल के सप्ताहों में यह देखें कि किस तरीके से अफगान मामले का पूरा कवरेज हिंदुस्तान की मीडिया में हुआ है जिसे हम आमतौर पर गोदी मीडिया भी कह सकते हैं तो उस मीडिया के पूरे कवरेज में हम यह बात पता चलेगी कि इसमें मुस्लिमों को एक बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है या ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि इस्लाम का वास्तविक चेहरा तो वही है जो तालिबान के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और हिंदुस्तान के मुस्लिमों को या तो जोर शोर से इसका खंडन करना चाहिए या कम से कम उन्हें गिल्ट की भावना के साथ एक दोषी होने की भावना के साथ पेश आना चाहिए कि इस्लाम में इस तरह की विद्रूपताएं हैं। और यह भी एक तरीके से यह दिखाता है कि जो दुनिया में चीजें हो रही हैं जो वैश्विक स्तर पर चीजों को गढ़ा जा रहा है उसी के माध्यम से हिंदुस्तान के मुस्लिमों को देखने समझने या उनका वर्णन करने की कोशिश हो रही है। दूसरे स्तर पर पॉलिटिकोफोबिया की विशेषता बताते हुए हिलाल अहमद कहते हैं कि मुस्लिमों की राजनीतिक इंगेजमेंट को या राजनीति में उनकी भागीदारी को भी काफी संदेह की निगाह से देखा जाता है। इस संदर्भ में वे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में मिली सफलता का उदाहरण देते हैं। हिलाल अहमद यह कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली और सीमांचल के बिहार का जो सीमांचल का इलाका है वहां पर इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी की जीत के लिए कई स्थानीय कारक जिम्मेदार थे लेकिन जो उदारवादी सेकुलरिस्ट विश्लेषक थे
उन्होंने भी एक तरीके से इसे सांप्रदायिक गुलबंदी की राजनीति करार दिया और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी नेतृत्व ओवैसी की राजनीति को पूरी तरीके से एक सांप्रदायिक गोलबंदी की राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया और उसके बरक्स हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश की। हिलाल अहमद का यह कहना है कि इन सब चीजों में जो एक गहन विश्लेषण होता है किसी भी राजनीतिक दल की जीत को समझने का, उसकी उपेक्षा की गई, जबकि हकीकत यह है कि ओवैसी की पार्टी को पूरे बिहार में सिर्फ 1.24% वोट ही मिले थे, जो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि उन्हें कोई खास समर्थन नहीं मिला और ज्यादा गहरे स्तर पर स्थानीय स्तर के कारकों के विश्लेषण करने की आवश्यकता थी, लेकिन इस बात की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई। तो एक जो संदेह की भावना होती है मुस्लिमों के राजनीतिक रूप से सक्रिय होने पर, वो पॉलिटिकोफोबिया का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरे स्तर पर हिलाल अहमद यह कहते हैं कि पॉलिटिकोफोबिया में यह मान लिया जाता है, सारे लोग यह मान लेते हैं कि जो मुस्लिम है वो एक तरह की सोच रखते हैं, यानी कि पूरा मुस्लिम समुदाय यह समझने में समर्थ होता है कि उसके सामुदायिक हित क्या है, और इसी के लिए हिलाल अहमद सियासी मुसलमान शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। और उनका यह कहना है कि इस तरह के विश्लेषण में मुस्लिमों के भीतर जो एक अंतर्द्वंद है या उनके भीतर जो एक अंतर्विरोध है, अलग अलग तरह के विचार हैं, अलग अलग तरह के हित हैं, उसका विश्लेषण करने की जहमत कोई नहीं उठाता और सीधे तौर पर एक छवि उठाकर मुस्लिमों की बना दी जाती है कि सारे मुसलमान एक साथ वोट करते हैं। और इस पूरी इन तीनों ही स्तरों के का जो विश्लेषण हिलाल अहमद प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें उनका यह मानना है कि इससे एक खास तरह की छवि मुस्लिमों की गढ़ने में सफलता मिली है दक्षिणपंथी राजनीति को, हालांकि वो जो सेकुलर राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें भी पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं मानते। मेरा यह मानना है कि हिलाल अहमद का यह विश्लेषण हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि किस तरीके से मौजूदा दौर में जो एक बहुत ही कृत्रिम तरह की बहुमतवादी राजनीति देश में हो रही है, उसमें ये पॉलिटिकोफोबिया की जो पूरी अवधारणा है वो कैसे काम कर रही है। मुसलमानों को संदेह की नजर से देखना और खासतौर पे उनकी किसी भी राजनीतिक सक्रियता को प्रश्नांकित करना या बिल्कुल संदिग्ध बना देना आज के बहुमतवादी राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मुझे यह लगता है कि हिलाल अहमद इन चीजों को काफी साफ तरीके से रखते हैं, और मैं यह भी मानता हूं कि अखबार में के छोटे स्थान पर लिखे जाने वाले लेख की कुछ सीमाएं होती हैं, पर फिर भी मेरे मन में कुछ प्रश्न जरूर आते हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हिलाल अहमद यह नहीं बताते हैं कि जो खुद मुस्लिम हैं वो इस तरीके की पॉलिटिकोफोबिया के बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो क्या इसे बहुत ही नकारात्मक मान रहे हैं, क्या वो इससे जूझने का प्रयास कर रहे हैं, या उनकी जो एक राजनीतिक पहलकदमी है वो किस रूप में आगे बढ़ रही है, और दूसरे स्तर पर ये जो पॉलिटिकोफोबिया है क्या उसका किसी दूसरे समूहों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या कोई काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ ऐसे समूह हैं जो सांस्कृतिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर इस तरह की पॉलिटिकोफोबिया का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दो ऐसे पहलू हैं जिनकी ज्यादा गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि शायद इन पहलुओं के विश्लेषण से ही एक उम्मीद की किरण आगे के लिए दिख सकती है। बहरहाल मुझे यह लगता है कि जो पॉलिटिकोफोबिया की एक अवधारणा हिलाल अहमद प्रस्तुत कर रहे हैं वह इस बात की भी तस्दीक करता है कि जो एक शब्दावली पश्चिमी पत्रकारों के द्वारा, पश्चिमी विचारकों के द्वारा चला दी जाती है, उसको सीधे तौर पर हिंदुस्तान पर लागू करके यहाँ के यथार्थ को हम नहीं समझ सकते हैं, और हमें बिल्कुल ही नए तरीके से अपने यहाँ की स्थितियों, जटिलताओं को समझने के लिए कुछ नए तरह के शब्द, कुछ नई तरह की अवधारणाओं को गढ़ना पड़ेगा, और पॉलिटिकोफोबिया के इस्तेमाल को मैं इसी रूप में देखता हूँ। मुझे यह उम्मीद है कि मेरी इस छोटी से चर्चा से आप डॉक्टर हिलाल अहमद के लेख की मुख्य बातों को समझ पाए होंगे। परख के अगले अंक में हम मिलेंगे और एक नए आलेख पर चर्चा करेंगे, और मेरी यह उम्मीद है कि इस तरह की चर्चा से आप लोगों को अलग अलग तरीके के लेखों को समझने में मदद मिलेगी। तो मैं आज के अंक को यही रोकता हूँ। नमस्कार।